सो आज इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में फ्रैंकलिन अपने घर को चेंज करके माइनक्राफ्ट का मॉडर्न हाउस लाने वाला है। और आखिर किधर फ्रैंकलिन को ये माइनक्राफ्ट का मॉडर्न हाउस मिला और कैसे फ्रैंकलिन ने अपने हाउस को चेंज करके इस हाउस को लाया है, ये अगर आप लोगों को जानना है सो पूरा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अरे यार, मैं इस पुराने घर में खेलते खेलते पूरा तंग हो चुका हूँ और भाई मुझे लगता है कि इस घर को अभी चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं लगभग ये गेम को 2 साल से खेल रहा हूँ, तब से यार फ्रैंकलिन का घर जो है वो बस एक बार ही चेंज हुआ है और ये घर मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है। देखो भाई, इसका जो कलर है वो भी काफी ज्यादा फीका हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना भाई हमारा जो घर है इसको चेंज कर दिया जाए। और भाई इसके लिए भाई मुझे अपना दोस्त से मिलना पड़ेगा। सो चलो भाई, मैं इधर एक काम करता हूँ, अपना एक बाइक को ले लेता हूँ। सो चलो गाइस, हम लोग हमारा फेवरेट बाइक RS 200 को ले लेते हैं और इसको लेके अभी मैं चलता हूँ अपने दोस्त के पास। सो चलो भाई, मैं अपना दोस्त के पास जाता हूँ। तो मैं बाइक में बैठ चुका हूँ और दोस्त मुझे भाई इधर ही मिलने वाला है, बस तो वो मेरे घर के सामने ही घूमता है। अरे हाँ भाई, ये रहा वो दोस्त। अबे चिंटू, किधर जा रहा है तू? अरे मैं तो तेरे घर पे जा रहा था। अच्छा, मेरे घर पे जा रहा था। अच्छा चिंटू, मुझे ना तुझसे एक बात जानना था। अच्छा पूछना, क्या जानना है? ए भाई, मुझे जानना था कि मेरा जो घर है ना वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। तुझे क्या पता है इस शहर में ऐसा कोई यूनिक सा घर है जो कि किसी के पास ना हो इस शहर में, और ये घर बस मेरे पास ही हो? अरे हाँ, मेरे को एक घर तो पता है, तुझे चाहिए क्या? हाँ भाई, मुझे तो चाहिए वो वाला घर, तो तू बता दे मुझे एड्रेस। चलो यार भाई, अपना दोस्त ने हम लोगों को एड्रेस तो बता दिया, तो उसने कहा कि भाई जो रैंप एरिया है ना, तो रैंप एरिया के साइड में हम लोगों को एक यूनिक सा घर मिलने वाला है और भाई वो घर ना काफी ज्यादा औसम होने वाला है और बिल्कुल यूनिक होगा और इस घर के जैसा कोई भी घर हमारे सिटी के अंदर नहीं है। तो चलो गाइस, आज हम लोग भाई उसी घर के सामने जाएंगे और जाके देखते भाई वो घर देखने में कैसा। भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई ये यूनिक सा घर देखने के लिए। सो देखो भाई, अभी उसी लोकेशन पे आ चुका और थोड़ा सा आगे मुझे वो घर मिलने वाला है। देखो गाइस, फाइनली मुझे वो घर मिल चुका है। अरे भाई, ये तो कोई माइनक्राफ्ट का मॉडर्न हाउस लग रहा है। अरे यार, ये घर तो किसी के पास भी नहीं होगा हमारे शहर में, अगर मेरे पास हो जाए तो मजा आ जाएगा। अरे भाई क्यों ना मैं इस घर को भाई कैसे ले पाऊँ, भाई मुझे अभी इसका जो ओनर है उससे बात करना पड़ेगा। सो चलो भाई, मैं बाइक में बैठ जाता हूँ। अरे ओनर तो इधर ही है। अरे ओनर भी मुझे मिल चुका है, सो चलो यार उनसे जाके बात कर लेता हूँ। अरे आप ही हो ना ये जो माइनक्राफ्ट मॉडर्न हाउस का ओनर? अरे हाँ, मैं ही हूँ ये माइनक्राफ्ट मॉडर्न हाउस का ओनर। अच्छा, फिर आप मुझे बता सकते हो कि इस घर का प्राइस क्या है? क्या आप इस घर को सेल करना चाहते हो? अरे हाँ, मैं तो इस घर को सेल करना चाहता हूँ और इसका प्राइस है पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए। अरे यार, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अरे तो फिर जा इधर से, मुंह उठा के क्यों आ गया इधर? औकात नहीं है तो क्यों आता है इसको लेने के लिए? अरे यार ऐसे मत बोलो, कोई और तरीका होगा जिससे मैं इस घर को ले पाऊँ, और आप मुझसे भाग क्यों रहे हो? बताते जाओ यार, आपके पास कोई ऐसा काम हो जो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मैं कर दूं, ऐसा कोई काम हो तो बता दो यार। अच्छा एक काम तो है, मैं एक रैंप को कंप्लीट करना चाहता हूँ जिसको जीतूंगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलने वाला है, लेकिन मेरे पास कोई अभी फिलहाल तो बाइक नहीं है, तो मैं इस रैंप को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो तू अगर कर देगा तो तुझे मैं एक घर उसी 1 करोड़ रुपए के बदले दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो रैंप कंप्लीट करके दे दूंगा, तो आप मुझे बस उस रैंप का लोकेशन बता दीजिए। चलो यार फाइनली गाइस, उन्होंने मुझे लोकेशन भी बता दिया रैम का, लेकिन भाई ये जो घर है इसको लेने के लिए, इसको अपने घर पे ले जाने के लिए भाई काफी ज्यादा चीज लगेगा, लेकिन भाई ये जो माइनक्राफ्ट का हाउस है इसको ले जाने के लिए हमारे घर के सामने एक रोड रोलर चाहिए होगा और साथ ही में एक रोप भी चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो मैं इन चीज को ढूंढ लेता हूँ। उसके बाद भाई ने जैसे कहा है कि एक रैम को कम्प्लीट करना है मुझे और मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेगा, सो चलो भाई वो भी मैं कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इधर मैं रोड रोलर सर्च करता हूँ अपने RGS टूल में, शायद से मुझे मिल जाए। सो मैं इधर रोड रोलर जो है वो लिख देता हूँ और देखता हूँ कि मुझे कोई लोकेशन जो है वो मिलता है क्या। सो मैंने इधर लिख लिया और चलो गाइस अभी राइट में जैसे क्लिक किया, फाइनल गाइस मुझे लोकेशन मिल चुका है। अरे भाई ये तो इसी रैम के पास ही में है, तो मुझे जो है ये रैम को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी मुझे जो रोड रोलर है वो मिल पाएगा। सो चलो गाइस, अभी मैं जल्दी से फटाफट अपना बाइक को लेके चला आता हूँ और गाइस इस रैम को कंप्लीट करके जो रोड रोलर है उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सो चलो यार, मैं इधर रैम के पास में तो आ चुका हूँ और अभी इस रैम को मुझे पार करना पड़ेगा और पार करके इसके ऊपर बहुत सारे कंटेनर मिलने वाला है, उसी लोकेशन पे मुझे जो है अपना रोड रोलर मिल जाएगा। सो चलो गाइस,
उधर से मैं फटाफट इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे भाई बाल बाल बच गया, अभी गिर जाता मैं साइड से। सो चलो गाइस, इधर से मुझे अभी जो है ये लेफ्ट कंटेनर से जाना पड़ेगा और उस वाले कंटेनर पे जंप करना पड़ेगा। एकदम सही लैंडिंग होगा तभी मुझे मिल पाएगा वो रोड रोलर, अगर मैं गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। सो चलो गाइस, फाइनली मैं उसी लोकेशन के अंदर आ चुका हूँ और देखो भाई एकदम परफेक्टली लैंडिंग भी कर लिया। और चलो गाइस अभी मैं बाइक से उतर जाता हूँ और उतर के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा आगे, और जैसे गाइस मैंने इधर राइट में मुड़ा, फाइनली गाइस मुझे इधर रोड रोलर मिल चुका है। सो देखो भाई ये देखने में कितना ज्यादा मस्त और कितना ज्यादा बड़ा और पावरफुल लग रहा है। सो फाइनली गाइस मैंने इसको तो कलेक्ट कर लिया और गाइस मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा एक रोप, तो रोप मुझे किधर मिलेगा सो वो भी ढूंढना है। सो चलो गाइस देखते हैं भाई, अभी मैं आरजीएस टूल में रोप लिख लेता हूँ और देखता हूँ गाइस रोप जो है वो मुझे किधर मिल पाएगा। सो मैंने तो रोप लिख लिया, ओके करते हैं। और अभी जैसे गाइस मैंने राइट में क्लिक किया, फाइनली भाई रोप का लोकेशन भी मुझे मिल चुका है। अरे यार ये तो अपना जो ट्रेन है ट्रेन के ऊपर मिलने वाला है। अरे गाइस चलो भाई अभी मैं बाइक लेके फटाफट रेलवे स्टेशन पे चला जाता हूँ। सो चलो यार फाइनली मैं रेलवे स्टेशन पे तो आ चुका हूँ, तो देखो भाई अभी मुझे इस स्टेशन के ऊपर मतलब कि ये रेल जो है इसके ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन आखिर मैं कैसे इधर जा पाऊंगा भाई, इधर से कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन भाई मुझे एक ट्रिक पता है जिसकी मदद से मैं इस ट्रेन के ऊपर चल सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस भाई इधर आके जो अपना सुपर जंप है उसको एक्टिव करना है। तो मैंने इधर एक्टिव कर लिया और अभी इधर से आप लोग आके जैसे ही जंप लगाओगे तो आप लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर चले आओगे। और अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को इधर से कोई भी एक बाइक को ले लेना है। जैसे कि भाई मैं एक काम करता हूँ, अपना जो बुलेट बाइक है बुलेट बाइक को मैं ले लेता हूँ। सो चलो गाइस मैंने इधर बुलेट बाइक को स्पॉन कर लिया है और अभी इधर से आप लोगों को क्या करना है, इधर से बस आप लोगों को स्पीड से चलाना है और ये जगह पे आ जाना है। और इधर से आप लोगों को इधर से राइट में सॉरी लेफ्ट में मोड़ लेना है और जैसे भाई मोड़ोगे तो इधर आके आप लोगों को बाइक को थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा ताकि आप लोग जो है इसके कंटेनर पे जंप कर पाओ। तो देखो भाई थोड़ा सा टाइम तो जाएगा लेकिन भाई अगर एक बार कर लोगे तो भाई काफी बढ़िया यार। सो चलो गाइस अभी इधर से हम लोग जंप कर लेंगे। ये देखो भाई फाइनली मैं इसके ऊपर आ चुका हूँ और थोड़ा सा आगे ही बस मुझे जो रोप है वो मिलने वाला है। सो चलो गाइस इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइस देखो भाई मुझे इधर रोप मिल चुका है और मैंने गाइस इसको कलेक्ट कर लिया है। और चलो गाइस अभी मैं बाइक को लेके इधर से उतर जाता हूँ। सो फाइनली गाइस मैं इधर से बाइक से उतर चुका हूँ और भाई मैंने दो चीज को तो ढूंढ लिया, एक था रोड रोलर और दूसरा है रोप। सो इन दोनों चीज को तो ढूंढ लिया और अभी मैं एक काम करता हूँ, अपना जो घर है उसको मैं भाई अपने घर को भाई रोड रोलर की मदद से और वो रोप की मदद से जो है इधर से हटवा देता हूँ ताकि भाई मैं उस जगह पे अपना जो माइनक्राफ्ट का मॉडर्न हाउस है वो ले पाऊँ। सो चलो गाइस, और गाइस आप लोगों में से किस किस का माइनक्राफ्ट फेवरेट गेम है मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना। अगर आपका फेवरेट है तो यस कॉमेंट कर देना, अगर ये तो नो कमेंट कर देना, ठीक है। सो चलो गाइस अभी जो है हम लोग हमारे घर को भाई इधर से हटवा लेते हैं। तो फाइनली यार मैं अपने घर के सामने आ चुका हूं और चलो गाइस अभी मैं रोड रोलर और रोप को सही से सेट कर लेता हूं। सो फाइनली गाइस इधर आप लोग देख सकते हो मैं इधर रोड रोलर पे बैठ चुका हूं और देखो भाई मैंने इधर रस्सी से अपने घर को भी भाई बांध लिया है और अभी मुझे इसको लेके आगे बढ़ना है बस। सो फाइनली यार हमारा रोड रोलर इधर स्टार्ट हो चुका है और देखो भाई मैं इसको खींचते खींचते आगे ले जा रहा हूँ। तो चलो गाइस इधर मैं इसको खींचते खींचते पूरा इस रैम से बाहर कर देता हूँ और भाई इसी जगह पे हम लोग न्यू हाउस को भी लेने वाले है। सो फाइनली मैंने इसको हटा लिया है और देखो गाइस इधर हमारा घर का जो जगह है वो पूरा खाली हो चुका है और अभी इसी जगह पे हम लोग को माइनक्राफ्ट का जो मॉडर्न हाउस है उसको लेके चला आना होगा। अरे फाइनली यार मैंने अपने घर को तो भाई इधर से हटवा लिया है लेकिन भाई मुझे अभी वो रैम को भी कंप्लीट करना पड़ेगा जिसको जीतेंगे तो मुझे पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए मिलने वाले है और भाई वो लोकेशन भी मुझे पता है। सो चलो गाइस उधर चलता हूं मैं डायरेक्ट। सो फाइनली यार मैं उसी रैम के पास आ चुका हूं और भाई मुझे इधर एक देखो भाई KTM मिल चुका है। सो भाई इसके साथ मैं अभी इस वाले रैम को कंप्लीट कर ले तो ये रहा फर्स्ट चेक पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था। और भाई इधर से मुझे किधर जाना है, अभी यार इधर ऊपर एक चेक पॉइंट लगा था भाई वो तो नहीं है। और भाई इधर से एक चेक पॉइंट मुझे मिल गया और भाई चलो भाई अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और देखो भाई इधर से मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ और देखो भाई इधर से किधर जाना है, अच्छा सीधा ही जाना है और इधर और एक चेक पॉइंट है तो इसको भी मैंने ले लिया। और भाई मैं इस रैंप पे एक भी गलती नहीं कर सकता, अगर एक बार के लिए भी मैं गिर गया तो मुझे जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। सो चलो गाइस फटाफट इस रैंप को मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। सो इधर से मुझे अच्छा इस साइड में जाना है, अभी यार इधर इतने सारे घास फूस किधर से आ गया। और देखो भाई इधर भी काफी सारे प्रोपेलर लगा हुआ है सो मुझे इधर से ध्यान से पार करना पड़ेगा। सो चलो अभी सही टाइम है और भाई चल 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 आगे बढ़ फ्रैंकलिन। हाँ भाई तो फाइनली भाई इस जगह को हम लोगों ने पार कर लिया है
और भाई इधर से आगे से का क्या है, कुछ तो दिखाई भी नहीं दे रहा। सो चलो गाइस इधर से अभी आगे मैं धीरे धीरे करके जाता हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। अरे भाई इधर से और थोड़ा साइड में जाता तो अभी गिर ही जाता। सो चलो गाइस मैं इधर आ चुका हूँ और देखो भाई इधर कितना कलरफुल सा भाई बहुत सारे सर्कल्स है। सो इनके ऊपर से चलते हैं भाई, ये तो बहुत आसान है। और भाई इधर से आगे किधर जाना पड़ेगा, अबे यार आगे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। अच्छा भाई मुझे इधर से नीचे जाना है, चलो भाई चेक पॉइंट मिल गया, ये सही है। और भाई इधर से मुझे धीरे धीरे करके एकदम सावधानी से नीचे जाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी गलती कर दिया और गिर गया तो भाई मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो चलो यार मैं एकदम भी गलती नहीं कर सकता, तो भाई मुझे आज वो घर जो है वो लेना ही लेना है। सो चलो गाइस फाइनली मैं इधर से देखो भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ। और भाई ये रैम तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और भाई थोड़ा सा हार्ड है लेकिन भाई सही है। सो चलो गाइस इधर से क्या करना है, अच्छा इस वाले जगह को पार करना है। सो चलो भाई इस वाले जगह को भी मैं पार कर लेता हूँ। हाँ भाई इधर से किधर जाना है, हाँ ऐसे करके जाना है। और अच्छा आगे से रोड मिल गया हम लोगों को। और भाई इधर आगे और क्या है, चलो गाइस देखते हैं और क्या क्या है। और भाई इधर से शायद से मुझे जंप करना पड़ेगा, ठीक है मुझे पता नहीं। हाँ भाई मुझे लग रहा है जंप करना है फुल स्पीड में। सो चलो गाइस अभी जंप करते हैं। सो फाइनली यार मैंने देखो इधर से एकदम परफेक्ट लैंडिंग कर लिया और मैं भाई इस जगह पे आ चुका हूँ। और भाई अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ भाई और क्या क्या चैलेंजेस है इस रैंप में। वैसे तो यार भाई देखो भाई इधर से जाने में काफी मजा तो आ रहा है, और भाई अभी अगर मैं गिरा ना तो भाई खत्म हो जाएगा। और देखो भाई सामने से कितने सारे प्रोपेलर्स घूम रहे हैं, और भाई इधर से मैं कैसे जा पाऊंगा, अबे यार पता नहीं क्या हो पाएगा। सो चलो गाइस कंप्लीट तो करना ही है भाई किसी भी हालत में। सो चलो इधर से मैं इस साइड से चलता हूँ और गाइस हाँ भाई मैं शायद से पार कर लूंगा। हाँ भाई ये पंखा भी मैंने पार कर लिया, और फाइनली गाइस देखो भाई जगह को तो मैंने पार कर लिया। और भाई फिनिश पॉइंट किधर है, भाई ये रैम तो काफी ज्यादा बड़ा है। और देखो भाई फाइनली शायद मैं फिनिश पॉइंट पे आ चुका हूँ, और हाँ भाई ये रहा फिनिश पॉइंट। तो चलो गाइस इधर से एक चेक पॉइंट मिलेगा। हाँ गाइस और देखो भाई जैसे ही चेक पॉइंट को टच किया मुझे इधर पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपीज जो है वो रिसीव हो चुका है। और चलो गाइस अभी उसी लोकेशन पे जाके जल्दी से भाई ये जो माइनक्राफ्ट का घर है इसको लेके जल्दी से अपने घर के लोकेशन पे जाके लगा लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने उनको पूरे के पूरे पैसे दे दिया, और देखो गाइस इधर मैं जो है अपना रोड रोलर को लेके फिर से भाई वो माइनक्राफ्ट का जो मॉडर्न हाउस है इसको लेके जा रहा हूँ अपने घर के लोकेशन पे। और देखो भाई ये घर देखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। सो चलो गाइस फटाफट इसको लेके मैं अपने घर के लोकेशन पे लगा लेता हूँ। तो फाइनली देखो भाई मैं घर के लोकेशन पे आ चुका हूँ, और मैं रोड रोलर को अभी साइड में ले चलता हूँ। और भाई देखो फाइनली अपना घर इधर चेंज हो चुका है, और भाई इधर अपना माइनक्राफ्ट का हाउस आ चुका है। और फाइनली देखो भाई हमारा घर इधर पूरा सेट हो चुका है। तो ये रहा अपना फॉर्चुनर भी इस घर के सामने, और देखो भाई इधर खुशी से अपना फ्रैंकलिन डांस कर रहा है। अबे भाई क्या ही डांस कर रहा है, और देखो भाई इधर पुलिस और 2 NPCs भी डांस कर रहा है, तो भाई कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। और ये रहा भाई वो माइनक्राफ्ट का घर, और देखो भाई कितना ज्यादा प्यारा है। तो साइड से भी मैं दिखा देता हूँ, तो देखो भाई साइड से भी कितना अच्छा लग रहा है, और इसके बाद मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाने वाला हूँ। सो देखो भाई इधर से भी ये कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। सो पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट का हाउस तो भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलो गाइस अभी मैं इस घर के अंदर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये खुफिया रास्ता है, मतलब कि सीक्रेट रोड, और इधर से आप लोग जैसे आओगे तो देखो भाई इधर कितना बड़ा सा एक बहुत ही बड़ा रूम है, और भाई देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। देखो भाई पूरा माइनक्राफ्ट के जो सामान है इनसे भाई इस घर को बनाया गया है। और भाई देखो मैं अभी आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे भी दिखा देता हूँ, और इसका जो डोर और जो विंडोज है उनपे भी देखो कांच लगा हुआ है जो कि देखने में काफी मस्त लग रहा है। और इधर से आप लोग पूरा सिटी को देख पाओगे, और इधर एक बैल्कनी भी है, तो देखो भाई बैल्कनी से अपना पूरा सिटी दिख रहा है, और देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। देखो भाई पुलिस स्टेशन इधर रहा, और इधर एयरपोर्ट भी दिख रहा है, और देखो भाई इधर से पीछे का व्यू भी काफी मस्त है, और इधर से एक सीक्रेट रोड भी है जिससे आप लोग नीचे के रूम पे भी जा पाओगे। तो देखो मैं फिर से नीचे के रूम पे आ चुका हूँ, तो इधर से एक बहुत ही बढ़िया सा सीक्रेट रास्ता भी है। और देखो भाई इधर से मैं अभी आप लोगों को इसके ऊपर ले जाके दिखाता हूँ, तो इधर से आके आप लोगों को और एक सीरिया देखने को मिल जाएगा। सो इसके ऊपर हम लोगों को जो सेकंड फ्लोर है वो देखने को मिलेगा। इधर भी काफी बढ़िया सा स्पेस है, और इधर भी देखो भाई बैल्कनी है, और इधर गार्डनिंग एरिया भी है। देखो भाई इधर गार्डनिंग भी कर सकते हैं हम लोग, और काफी प्यारा लग रहा है। और देखो भाई अभी मैं आप लोगों को छत को भी दिखाने वाला हूँ। सो देखो भाई इधर पीछे से भी भाई बहुत ही अच्छा एक बैल्कनी जैसा है, और इधर छत जैसे देखने में देख सकते हो आप लोग, कुछ ऐसा लग रहा है। सो देखो गाइस कितना बढ़िया घर लगा। और गाइस आप लोगों को ये वाला घर कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। सो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।